Hello students, I welcome you back to the part 3 session of the Hindu editorial vocabulary. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. बिफोर आई स्टार्ट, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. रोज रात में 8 बजे आपका फ्री प्रैक्टिस क्विज होता है ऑन CDS एंड AFCAT. देयर इज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू फॉलो मी ऑन द Unacademy ऐप. डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए, फॉलो मी, और आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे प्रैक्टिस क्विजेज के. रोज रात में 8 बजे मैं फ्री क्विजेज है, दिस इज फ्री ऑफ चार्ज, ओके. वो आप अटेंड कर सकते हो एंड यू कैन जज योर नॉलेज, देख सकते हो कितने पानी में आप हो. और आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी होगा विद एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, ओके. नाउ हिंदू एडिटोरियल का पहला वर्ड आज लेके आते हैं, विच इज एविक्शन. मैं बता दूं ये वाला एविक्शन वर्ड कौन से आर्टिकल में से था. आप सभी को पता होगा कि हल्द्वानी में एक केस चल रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हल्द्वानी में कुछ घर हैं रेलवे लैंड पे जो इनक्रोज हैं, उसको खाली करने के लिए आदेश दिया गया था और टाइम दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा 1 हफ्ते का. लेकिन वहां पर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था, वहां के जो फैमिलीज रहते थे. सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया कि आपको 1 हफ्ते में खाली करने की जरूरत नहीं है, पहले सबको रिलोकेट करने के लिए या प्रॉपर एक तरीके से करना चाहिए. यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. तो एक आर्टिकल था, एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. दिस वॉज फ्रॉम द 9th of January एडिटोरियल. तो यहां पे एविक्शन एक वर्ड था, प्रॉब्ली कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं. नाउ एविक्शन का मतलब होता है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन बाय लीगल प्रोसेस. यही कोर्ट चाहती थी. इसके लिए एक PIL फाइल हुआ था और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि खाली करें जो लोग वहां पे दशकों से रह रहे थे. सो रिकवरी करना चाह रही थी कोर्ट उस लैंड को उन लोगों से. सो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन बाय लीगल प्रोसेस इज कॉल्ड एविक्शन. नाउ इसका हिंदी मतलब होगा बेदखल करना या बेदखली जिसे कहते हैं. दैट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. बेदखली हो जाएगा हिंदी मीनिंग. और सेंटेंस कौन सा था, मैं आपको एग्जैक्ट सेंटेंस बता रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल में से. द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन. इंटरवेंशन मतलब दखल. सुप्रीम कोर्ट ने समय से दखल दिया, ओके. दखल दिया हैड द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन हैज हॉल्टेड, ओके. सही समय पे दखल देने के कारण वो रुक पाया. द फोर्सिबल क्या रुक पाया, द फोर्सिबल एविक्शन ऑफ सम 50,000 पीपल. जो जबरदस्ती लोगों को बेदखल किया जा रहा था, ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को हल्द्वानी से उत्तराखंड में, उस चीज को रोका जा सका था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली उस पर इंटरवीन किया. बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सही तरीका नहीं है, इस कारण से वो चीज रुक पाया. वेयर द ऑक्यूपेंट्स आर अक्यूज ऑफ स्क्वैटिंग ऑन द रेलवे प्रॉपर्टी फॉर डिकेड्स. नाउ यहां पे एक्चुअली में और एक वर्ड था स्क्वाटिंग. स्क्वाटिंग का लिटरल सेंस में होता है क्राउच करना, घुटनों के बल बैठ जाना, ओके. बट यहां पे जो सेंस है, सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं. द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन हैज हॉल्टेड द फोर्सिबल एविक्शन ऑफ सम 50,000 पीपल फ्रॉम हल्द्वानी इन उत्तराखंड वेर द ऑक्यूपेंट्स आर अक्यूज्ड ऑफ स्क्वाटिंग ऑन रेलवे प्रॉपर्टी फॉर डिकेड्स, ओके. यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइम पे दखल दिया और मना किया कि ऐसे नहीं किया जा सकता. जहां पे लोग बरसों से रह रहे हैं रेलवे प्रॉपर्टी में, स्क्वाटिंग का मतलब बरसों से वो वहां पे रह रहे हैं, एक तरह से प्रॉब्ली लीगल तरीके से ले रहे हैं, रह रहे हैं या कब्जा करके रह रहे हैं. बट यहां पे स्क्वाटिंग का मतलब हुआ पीपल हैव बीन रिसाइडिंग देयर फॉर डिकेड्स, ओके. कई दशकों से लोग वहां पे रह रहे हैं. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्क्वाटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. और एविक्शन का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बेदखली, ओके, बाहर निकालना. नाउ एविक्शन के सिनोनिम्स हो सकते हैं डिस्पोजिशन, एक्सपल्शन, आउस्टर. इन सभी का मतलब होता है बेदखल करना, बाहर निकालना. दैट इज सिनोनिम्स, दोज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा असाइनमेंट. किसी को हटाना ही नहीं, किसी को कोई पोस्ट देना या प्रॉपर्टी देना, दैट इज असाइनमेंट. बोर्डिंग का मतलब भी किसी को कोई प्रॉपर्टी देना, दैट इज बोर्डिंग. एडमिटेंस, किसी को एडमिट करना, कोई चीज देना, सहूलियत देना, दैट इज अगेन एडमिटेंस. तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड. अगले वर्ड पे चलते हैं. अगले वर्ड था स्लू. स्लू का मतलब है अ लार्ज नंबर और अमाउंट और एक्सटेंट.
काफी मात्रा में कोई चीज हो उसको हम कहते हैं स्लू। तो हिंदी में इसका मतलब होता है अनेक। अनेक मतलब बहुत सारा, बहुत सारा, दैट इज अनेक। ये कौन से सेंटेंस में था देखते हैं। सेंटेंस था, द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेसिडेंट्स एंड पास्ड अ स्लू ऑफ डायरेक्शंस दैट वुड हैव एंटेल्ड देयर एविक्शन विद इन अ वीक बैक बाय फोर्स इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। यहां पे उत्तराखंड ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि रेसिडेंट्स को उत्तराखंड कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि रेसिडेंट्स को हटाया जाए एक हफ्ते के अंदर। उसके अलावा कई सारे डायरेक्शंस ऐसे दिए थे कि रेजिडेंट्स अगर ना हटे तो उन पे जोर जबरदस्ती भी किया जाए फोर्स के साथ, या अगर जरूरत पड़े पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाए। ओके, सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर गिवन बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो इट वॉज अ स्लो ऑफ डायरेक्शंस, कई सारे डायरेक्शंस दिए गए थे लोगों को वहां से इविक्ट करने के लिए, हटाने के लिए। तो स्लो का मतलब हुआ अनेक। स्लो के सिनोनिम्स देखते हैं। स्लो के सिनोनिम्स हैं मिरियाड, प्लेनिट्यूड और अबंडेंस। इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मिरियाड ऑफ डायरेक्शंस बोल सकते हो, प्लेनिट्यूड और अबंडेंस ऑफ बहुत सारी, बहुत सारे को हम कहते हैं अबंडेंस, प्लेनिट्यूड या मिरियाड। एंटोनिम्स होगा स्कार्सिटी, किसी चीज में कमी, बहुत कम। मोडिकम, मोडिकम का मतलब होता है वेरी फ्यू, वेरी लेस, वेरी लिटिल। डर्थ का मतलब भी होता है कमी। तो ये सारे उसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। यहां पे अगर आपने देखा होगा कि और एक वर्ड है विच इज एंटेल्ड, ये हम अगले वर्ड में देखेंगे। नाउ अगला वर्ड है आपका एंटेल्ड। नाउ एंटेल्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी होल का कोई पार्ट हो, दैट इज एंटेल्ड। तो सेंटेंस वही था, उसके पहले मैं हिंदी मीनिंग भी बता दूं। एंटेल्ड का हिंदी मीनिंग होगा आवश्यक होना, कोई चीज आवश्यक है किसी पार्ट का, तो दैट इज एंटेल्ड। तो यहां पे एक तरह से नेसेसरी जिसे बोलते हैं, जरूरी। तो सेंटेंस अगेन पढ़ते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट हैड टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेसिडेंट्स एंड पास्ड अ स्लू ऑफ डायरेक्शंस, कई सारे डायरेक्शंस दैट वुड हैव एंटेल्ड देयर एविक्शन, मतलब ये उनके लिए जरूरी बन जाता कि उनको हटना ही है किसी भी हाल में। इट वुड हैव बीन नेसेसरी फॉर द रेसिडेंट्स टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंटेल्ड देयर एविक्शन विद इन अ वीक बैक बाय फोर्स इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये तो आप समझ गए थे। नाउ एंटेल्ड का सिनोनिम होगा नेसेसिटेटेड, कोई चीज जरूरी है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस। एनकंपस्ड का मतलब भी होता है कोई चीज जरूरी है किसी पार्ट का। ओके, और कंपेल्ड, तो वो डायरेक्शंस में ये भी था कि वो उसमें वो नेसेसिटेट कर रहे थे या कंपल जबरदस्ती कर रहे थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर द रेसिडेंट्स टू एक्चुअली मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो नेसेसिटेटेड, एनकंपस्ड, कंपेल्ड, ये सारे आपके हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की हम बात करते हैं। एंटोनिम्स का हो जाएगा डीबार्ड, प्रेक्लूडेड। प्रेक्लूडेड मीन्स प्रिवेंटेड, किसी चीज को होने से रोकना। थ्वार्टेड, इसका मतलब ये होता है किसी चीज को होने से रोकना या प्रिवेंटेड, ये सारे उसके एंटोनिम्स होंगे। सो इंक्लूडेड का एंटोनिम क्या होगा, डीबार्ड, प्रेक्लूडेड, थ्वार्टेड और प्रिवेंटेड, किसी चीज को होने से रोकना। ओके, सो दैट्स द मीनिंग, दैट विल बी द एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड था कमेंसमेंट। कमेंसमेंट स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के शुरुआत को हम कहते हैं कमेंसमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है आरंभ या शुरुआत, दैट इज द मीनिंग ऑफ कमेंसमेंट। ना यहां पे अगेन जनवरी 9th के आर्टिकल में एक आर्टिकल था जल्लीकट्टू के बारे में, जो कि तमिलनाडु में पोंगल के टाइम में होता है, जहां पे वो एक प्रकार का एक खेल खेल होता है। इट इज अ कल्चरल गेम इन विच यू हैव टू एक्चुअली कंट्रोल अ बुल। ओके, एक बैल को कंट्रोल करते हैं कई सारे लोग मिलके। उस पे बेस्ड एक एनिमल क्रुएल्टी वाला एक केस चल रहा था, उस पे बेस्ड एक आर्टिकल था जनवरी 9th के हिंदू एडिटोरियल में। ना वो सेंटेंस कौन सा था बता दूं, द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स जजमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ईयर्स इवेंट विच गोज ऑन फॉर नियरली 4 months इन वेरियस पार्ट्स। नाउ कोर्ट ने पहले का तो जो भी डेट था उसको विथहोल्ड कर दिया था, उसने कोई भी जजमेंट नहीं सुनाया था। बट उस आर्टिकल में यह लिखा था कि इस ईयर का जो पोंगल फेस्टिवल होता है, उस पोंगल फेस्टिवल इवेंट के पहले कोर्ट जो है वो जजमेंट सुनाएगा, ये बात थी। सो कमेंसमेंट ऑफ दिस ईयर इवेंट मतलब इस ईयर का जो पोंगल जो इवेंट होगा जल्लीकट्टू इवेंट,
उस जलीकट इवेंट के पहले जजमेंट आएगा, दैट्स व्हाट वाज रिटन इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. तो कमेंसमेंट का मतलब बिफोर दिस ईयर्स, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर्स इवेंट, इस साल के इवेंट के शुरुआत के पहले. तो कमेंसमेंट मतलब आरंभ या शुरुआत. तो सिनोनिम्स क्या होगा, इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग, ऑनसेट ऑल्सो मीन्स द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग, जेनेसिस ऑल्सो मीन्स द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ समथिंग. एंटोनिम क्या होगा, वाइंड अप विच मीन्स एंड, और सेसेशन एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज की समाप्ति, खात्मा, टर्मिनेशन का मतलब भी होता है एंड. तो ये तीन आपके हो गए एंटोनिम्स. ओके, सो कमेंसमेंट वॉज द वर्ड. अगला वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड वॉज ओवरलुक. ओवरलुक का मतलब होता है फेल टू नोटिस या इग्नोर, नजरअंदाज करना जिसे हम कहते हैं, या अनदेखी करना, नजरअंदाज करना, देख के भी इग्नोर करना, दैट इज ओवरलुक. नाउ सेंटेंस कौन सा था, देखिए, इन अ डेमोक्रेसी नो वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल. नो, ये चीज अगेन उसी जलीकट आर्टिकल का एक पार्ट था जिसमें लिखा गया था कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोग कोई भी चीज कल्चरली जो फॉलो करते आए हैं सदियों से, उस कल्चरल सेंसिटिविटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन या जजमेंट नहीं दे सकते. दैट वॉज रिटन इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर और फेल टू नोटिस. ओवरलुक के सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट और ओवरपास. सभी का मतलब होता है नजरअंदाज करना या अनदेखी करना. एंटोनिम्स क्या होगा, हीड, अप्रिशिएट और चेरिश. किसी चीज को देख के समझना, उस चीज को एंजॉय करना, रिस्पेक्ट करना, दैट इज चेरिश. अप्रिशिएट, किसी चीज की बड़ाई, तारीफ करना, या हीड और पे अटेंशन टू समथिंग, दैट इज हीड. ओके, अनदेखी के एंटोनिम्स हैं ये सारे. ओके, सो दैट वॉज द फिफ्थ वर्ड ओवरलुक. और एक वर्ड डिस्कस करते हैं विच वॉज री इन्फोर्स. रीइन्फोर्स का मतलब है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज को और भी ज्यादा मजबूत या सशक्त बनाना. तो हिंदी में प्रबलित करना बोल सकते हो, प्रबलित करना मतलब और भी बल डालना किसी चीज में, और भी सशक्त बनाना, दैट इज रीइन्फोर्स. सेंटेंस यह था कि देर इज नो नीड टू रीइन्फोर्स स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस. ओके, स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, जबरदस्ती आपको कोई भी रेगुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, और भी ज्यादा रेगुलेशंस को टाइट करने की जरूरत नहीं है. रेगुलेशंस मतलब रूल्स या पॉलिसीज को और भी टाइट करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो द ब्यूरोक्रेसी शुड सेंसिटाइज लोकल कम्युनिटीज टू द नीड फॉर द सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ जलीकट. ओके, सो रीइन्फोर्स का सिनोनिम था बोल्स्टर, बीफ अप और इनविगोरेट. इन सभी का मतलब होता है और भी पावर डालना, और भी उसको सशक्त बनाना. बोल्स्टर बोलो, बीफअप बोलो, इनविगोरेट बोलो. एंटोनिम्स इसका होगा अंडरमाइन, डिटीरियोरेट और एनर्वेट, जिसका मतलब पूरा पावर ड्रेन कर देना या स्ट्रेंथ ड्रेन कर देना, दैट इज अंडरमाइन. डिटीरियोरेट मतलब धीरे धीरे और भी खराब होते जाना. एनर्वेट का मतलब भी धीरे धीरे कमजोर होना, टू वीकेन होना जिसे कहते हैं. यहाँ पे और एक शब्द था सेंसिटाइज, इसका भी मीनिंग मैं बता देता हूँ. शुड सेंसिटाइज लोकल कम्युनिटीज टू द नीड फॉर द सेफ, मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी, दे शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनिमल्स. और इस कारण से वो बताना चाह रहे हैं कि लोगों को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको भी ये सेंस देना चाहिए कि सेफ और स्मूथ कंडक्ट होना चाहिए जलीकट का. सो द अथॉरिटीज शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस, that they sensitize the local people as well. That's the meaning of this particular sentence. To ye aaj ke words the guys. Iske alawa bata dun, join me every night at 8 PM for free practice sessions on CDS AFCAT. Usme grammar, comprehension, vocab, mixed questions lata hun jo aapke CDS aur AFCAT exams ke liye kafi faydemand hoga. If you're preparing for other exams, tab bhi aap aa sakte ho. ओके, इवन फॉर एसएससी वगैरह, जैसे ये आपका वोकैब है सेक्शन एडिटोरियल वाला, ये तो एसएससी में भी काम आएगा, बैंकिंग में भी काम आएगा, सभी में आएगा. सो यू कैन कम अटेंड दोज सेशंस विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज. क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, फॉलो मी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जाम्स एंड यू फील योर बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू शुड ज्वाइन दिस बैच विच स्टार्टेड ऑन द 26th ऑफ डिसंबर. यू कैन यूज दिस कोड UDM10 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट एज वेल. Okay, so you can scan this QR code to join our Telegram group.
and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications about such sessions. Yaad rakhna, ye Hindu editorial vocab section roz 12 baje aapka aa jayega. Do watch it. Very important. Kaafi fayda hoga. Ek mahine baad batana ki kya fayda hoga. So that was it. Milte hain agle session mein. Goodbye. Stay safe. Take care. Bye bye.